सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सिद्धार्थ मैया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद, पार्टी की बढ़त को लेकर एग्जिट पोल पर कही ये बात। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में मतदान 10 मई को हुआ था, जिसके बाद शाम 10 एग्जिट पोल जारी किए गए। अधिकतर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को बढ़त दी है कि इसको लेकर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया ने गुरुवार 18 मई को चुनाव प्रचार के दौरान लगातार काम करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और उनको धन्यवाद कहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि संघर्ष का फल अवश्य मिलेगा। सिद्धार्थ मैया ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से कन्नड़ भाषा में ट्वीट भी किया है। राज्य में वोटों की गिनती 13 मई को की जाएंगी। सिद्धार्थ मैया का ट्वीट। राज्य के पूर्व CM सिद्धार्थ मैया ने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट से कन्नड़ भाषा में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों पर गर्व है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की ओर से आप सभी को बधाई और धन्यवाद, जिन्होंने खाना और आराम भूलकर लगातार दिन रात काम किया। उन्होंने कहा, जिस वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ न केवल राज्य के कोने कोने से बल्कि अन्य राज्यों में भी कार्यकर्ता आए हैं। उन्होंने प्यार और सम्मान के कारण मेरे लिए प्रचार किया और मैं उनसे मिल भी नहीं पाया और उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाया। यह प्यार और प्रशंसा मेरी और कांग्रेस पार्टी की ताकत है। उन सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। सिद्धार्थ मैया ने ट्वीट में लिखा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी विशेष अपील है कि आप घर परिवार छोड़कर चुनाव में काम में लग गए। अब कुछ समय निकालकर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताएं। हमारा ईमानदार संघर्ष अवश्य रंग लाएगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं। कांग्रेस को 130 सीटें मिलेंगी। सिद्धार्थ मैया ने बुधवार 10 मई को वरुणा सीट पर 6% से ज्यादा वोट मिलने का भरोसा जताया। उन्होंने विश्वास जताया कि इस चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 130 सीटें मिलेंगी। इस बार राज्य में 224 सीटों के लिए 73.19% मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले चुनाव में मुकाबले अधिक है। वही कांग्रेस को कर्नाटक में स्पष्ट बढ़त मिलने की उम्मीद है। 4 एग्जिट पोल ने पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है और कुछ ने त्रिशंका निशान विधानसभा की भविष्यवाणी की है, जिसमें पार्टी को फायदा होगा। कुछ एग्जिट पोल में BJP आगे चली है। यदि कर्नाटक त्रिशंका विधानसभा देता है तो JDS किमकेकर बनने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सकती है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। थर्ड फ्रंट की कोई संभावना नहीं है, PM मोदी से मिलकर बोले उड़ीसा के CM नवीन पटनायक। कहा, BJP अकेले लड़ेंगी चुनाव। एक तरफ विपक्षी नेता 2024 के लिए गठबंधन की तैयारी कर रहे और दूसरी तरफ विपक्ष की एक बड़ी पार्टी ने इस गठबंधन की उम्मीदों को झटका दे दिया। उड़ीसा के CM और BJD के प्रमुख नवीन पटनायक ने गुरुवार का दावा कर दिया कि 2024 के दूसरे चुनाव में तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने यह बयान दिल्ली में PM मोदी से मुलाकात करने के बाद दिया है। BJD लड़ेंगी अकेले चुनाव। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को कहा कि उनका बीजू जनता दल BJD अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगा, जैसा कि उसने हमेशा किया है। PM मोदी के साथ अपने राज्य के विकास संबंधी मुद्दों पर बैठक के बाद दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पटनायक ने कहा कि नीतीश कुमार का भुवनेश्वर आना है एक शिष्टाचार मुलाकात थी, तीसरे मोर्चे की संभावना नहीं। भुवनेश्वर ने बिहार में मुख्यमंत्री से मिलने के एक दिन बाद पटनायक ने मुलाकात की है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक को तीसरे मोर्चे को बनाने के प्रयास में रूप में देखा गया था। पटनायक ने PM मोदी से मुलाकात के बाद ऐसी सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, जहां तक मेरा संबंध है, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। PM के साथ मुलाकात पर क्या बोले PM? PM मोदी के साथ मुलाकात को लेकर पटनायक ने कहा कि उनकी बात उड़ीसा के विकास के मामले पर हुई है। उन्होंने कहा, मैंने PM से मुलाकात की और हमने उड़ीसा की मांग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मैंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए बात ही की, जिसे हमें पूरी में स्थगित करना है। भुवनेश्वर में बहुत अधिक ट्रैफिक हो रहा है, इसलिए हम एक विकल्प चाहते। PM ने कहा कि वह निश्चित रूप से हर संभव मदद करेंगे।
विपक्षी एकता की कोशिश में नीति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों में विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे। गुरुवार को नीतीश कुमार शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके। नीतीश कुमार इससे पहले ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। 30,000 रुपए महीना पाने वाली इंजीनियर निकली करोड़पति। संपत्ति इतनी कि सुबह 6 बजे से हो रहे खुलासे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की आज भोपाल में बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के संविदा पर कार्यरत सब इंजीनियर हेमा मीना की आज छापेमार कार्यवाही की गई है। सुबह 6 बजे से जारी लोकायुक्त की कार्यवाही में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। 30,000 प्रतिमाह वेतन पाने वाले सब इंजीनियर करोड़ों की आसामी निकली। बताया जा रहा है कि आय से 230 गुना संपत्ति सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 30,000 रुपए प्रतिमाह की सैलरी वाली सब इंजीनियर के संपत्तियां सामने आने के बाद सभी के होश उड़ गए। सब इंजीनियर हेमा मीना ने पिता के नाम पर बिलखिरिया में 20,000 वर्ग फीट भूमि ली है और एक करोड़ की लागत से मकान बनवाए। इसके अलावा रायसेन और विदिशा में करोड़ों की जमीन भी खरीदी है। खबर लिखे जाने तक करीब 5 से 7 करोड़ की संपत्ति सामने आई। लोकायुक्त की छापेमारी में हुआ खुलासा। बिलखिरिया में बंगला, फार्म हाउस, लाखों की कृषि उपकरण, डेयरी मिली, फार्म हाउस पर हाउस बोट के लाखों के सरकारी उपकरण भी जब्त। फार्म हाउस पर 100 से अधिक डॉग, पिलबुल, डाबर, महंगे ब्रीड के डॉग्स मौजूद। लगभग 60 से 70 अलग अलग ब्रीड की गाय भी मौजूद। हाउसिंग बोर्ड के समान अपने फार्म हाउस का निर्माण। सीसीटीवी मॉनिटर, अलमारी, ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, फार्म हाउस में बनाया एक विशेष कमरा। कमरा में महंगी शराब, सिगरेट जैसी चीजें मौजूद। इंजीनियर को महंगी गाड़ियों का भी शौक है। 2 ट्रक, 1 ट्रैक्टर, थार समेत 10 गाड़ियां मौजूद। लाखों की ज्वेलरी भी मौजूद जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा सूत्रों की माने तो अन्य अधिकारियों की संलिप्तता होने की संभावना जताई जा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।